वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है और जितने भी पार्टी के आला हाईकमान है उनसे बात करी है। द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड। उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है और जैसा मैंने कहा मुझे पता है कि कहां पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीजों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये जरूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान। दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन इट हैज टू बी डन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, एक साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माई लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है, हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है, और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा।